के पालनहार पुरानी रंजन चालू करके कर ले अपनी नैया पार कर ले अपनी नैया पार वरना जो हम बने भवर मांगू लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मैं नीतू वर्मा महिला शिक्षक संघ से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगठन महिलाओं का महिला शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश जिसकी प्रदेश अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुलोचना मौर्य जी हैं और हमारे संगठन का पूरा प्रदेश में लगभग 70 जिलों में ये गठित हो चुका है। किन मांगों को लेकर आज यहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग पेंशन के मुद्दे को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके अलावा हमारी 15 सूत्रीय मांगे और भी हैं जिनमें हमारी 6 मांगे मुख्य हैं जिनमें पेंशन मुख्यतः पहली मांग है और शिक्षा मित्रों का संबंध होना और 17-140, 18-150 जो जिले में हम लोगों का नहीं अभी लागू हुआ कहीं भी प्रदेश में और प्रमोशन हमारा एक मुद्दा है। 5 मुद्दे तो हमारे मेन हैं बाकी तो 15 सूत्री मांगे जो सब। कितने सालों से पेंशन की मांग हो रही है बताइए? सर ये 15 सालों से लगातार चल 15 सालों से कितनी सरकारें आई गई किसी ने भी बहाल नहीं किया, इसको बहाल नहीं किया है और जो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद तो लगा रहे हैं कि पेंशन बहाल होगी। अभी हाल ही में देखिए कि किसान बिल को पारित किया गया, माना गया, उसको वापस लिया गया मतलब, और जिसमें एक साल से चल रहा था ये किसानों का अपना धरना प्रदर्शन समझिए एक साल। किसान बिल की आप बात कर रही, वहाँ पे संगठन सड़कों पर बैठे बैठे थे, उस तरीके आपके शिक्षक या कर्मचारी कोई बैठ पाएगा? कहाँ बैठेंगे ये बताइए? समय आएगा तो बिल्कुल बैठ पाएंगे। कोई नहीं बैठेगा? बैठेंगे सर, बैठेंगे। चलिए ठीक है। कौन कौन है आपके दर्शन में आज आपके साथ में? हमारे साथ महिला शिक्षक संघ तो है ही है, बाकी के जो S4 के बैनर तले हम सभी कई 20-25 संगठन एकत्रित हैं यहाँ पे। मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं सहिता नागेंद्र उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ रायबरेली से महामंत्री के पद पर हूँ मैं और मेरे साथ मेरे जनपद कार्यकारी बैठी हुई है जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतू वर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष सुशीला यादव जी हैं और हमारी संगठन मंत्री हिमांशी सिंह जी हैं और मीडिया प्रभारी और कोषाध्यक्ष जया मौर्य जी भी हैं और भी ब्लॉक के समस्त पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हुए अपने कार्यकारी के साथ। हम लोग का मेन मुद्दा आज तो पेंशन था कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। कौन कौन आज आपके साथ कार्यकर्ता बैठे हैं? सर मेरे कार्यकर्ता यहाँ पे S4 के बैनर तले हमारे कम से कम 22 संगठन बैठे हुए हैं। उसी संगठनों में हमारा एक महिला शिक्षक संगठन है जो कि आज सर पहली बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन में कुछ पदाधिकारियों नाम बता दीजिए।
नाम बता दीजिए कुछ पदाधिकारियों को आपके। हमारे पदाधिकारी संगठन के पदाधिकारियों की बात, हमारे महिला शिक्षक संघ का आपको सबको नाम बता दिया, वरिष्ठ पदाधिकारी बताया जिले की नीतू वर्मा जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अन्य संगठनों के पदाधिकारी गण हैं जो संयोजक के रूप में हमारे मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा आज। राकेश कुमार चौधरी, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाली का, उससे उसके साथ 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें समदा और सोर्सिंग को न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। हमारे जो ये शिक्षा मित्र हैं, इनको शिक्षक पद पर इनकी नियमावली संशोधित कर शिक्षक पद पर भर्ती इनकी नियुक्ति कर दी की जाए। हमारे जो ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी हैं, इनकी प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएँ और इनको ग्राम प्रधानों की चंगुल से मुक्त किया जाए। ऐसी इन्हीं सारी मांगों के साथ 16 सूत्री मांग पत्र है। कौन कौन है आज आप धरने में बैठे, नाम बता दें। धरने में बैठे हमारी जो शिक्षक कर्मचारी, महिला कर्मचारी शिक्षक संगठन की जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना परिचय दे ही दिया है। हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ, हमारा प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी संघ के भाई अध्यक्ष महन जी, महामंत्री शैलेश जी, हमारे संरक्षक बी एन यादव जी, हमारे संयोजक रविंदर श्रीवास्तव जी सहित सैकड़ों पदाधिकारी हैं यहाँ। नीरज मौर्य अध्यक्ष ही हैं महासंघ के।